हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग स्कैटर चार्ट अप्लाई करते हैं और स्कैटर चार्ट मार्क्स के साथ कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि मैं ये डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे और चार्ट ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा स्कैटर चार्ट और बबल चार्ट। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन सिंपल स्कैटर चार्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे डेटा है वो एज अ स्कैटर यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि ये मंथ और टोटल एवरेज है तो ये अलग अलग कलर में दिख रहा है। इसी को आप अगर स्विच करना चाहते हैं कॉलम टू रो में, तो अभी यहाँ पे आ गया सेल्समैन का नाम। दोस्तों यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि अलग अलग सेल्समैन का नाम अलग अलग कलर से है और जिसने जितना सेल करा है वैसा इनका रैंकिंग यहाँ पर डॉट वाइज है। ठीक है, टोटल चीज़ यहाँ पर हमारा शो कर रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है दोस्तों, दो टैब मिलता है डिज़ाइन और फॉर्मेट का। ये सब चार्ट्स टूल है। हर सेल की तरह इसमें भी आपको यहाँ पे चार्ट के स्टाइल, कलर, लेआउट और आपको यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है दोस्तों, ग्रिड लाइंस, लेजेंड, एरर बार, डेटा टेबल्स, चार्ट टाइटल्स, एक्सिस टाइटल, एक्सिस, ट्रेंड लाइंस, सब कुछ। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करके इस चार्ट में अंदर जो भी टेक्स्ट है उसे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड आर्ट के थ्रू। और आप यहाँ पे आउटलाइन सेट करना चाहते हैं चार्ट में, आउटलाइन कर सकते हैं। कोई अलग कलर फिल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप शेप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अभी आपका स्कैटर चार्ट। अब देखते हैं स्कैटर चार्ट विथ मार्क्स कैसा होता है। अब फिर से सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और क्लिक करेंगे इंसर्ट। फिर से हम लोग करेंगे इस बार स्कैटर चार्ट विथ मार्क्स। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेम वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डॉट तो सेम है। ठीक है, हमने अगर यहाँ पे देखे तो डॉट तो सेम है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है कि कर्व लाइन्स आ गए हैं जो कि सेल का शो कर रहा है कि किस तरीके से उनका हाई हो रहा है। कहीं पे जे कर्व बन रहा है, कहीं पे बहुत ख़राब तरीके से सेल्स का डाउन हो रहा है। तो ये है आपका दोस्तों स्कैटर चार्ट विथ मार्क्स। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विजिट करें। थैंक यू।